हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप शुरू कर चुके हैं भारतीय सोच। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का हाई कोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी। अब्दुल्ला के निर्वाचन पर दी गई अर्जी में उन्होंने कहा था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था। बता दें कि काजिम अली की ओर से दायर की गई अर्जी में अब्दुल्ला आजम की 10वीं क्लास की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेज में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि प्राइमरी में एडमिशन के वक्त टीचर ने अंदाज से जन्मतिथि दर्ज की थी। हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ने का दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। अब्दुल्ला रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। कोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी रद्द करते हुए कहा कि वे विधायकी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए उनकी विधायकी रद्द की जाती है। अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।